आज अब हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर फंक्शंस। ट्यूबुलर फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले अपन नेफ्रॉन बनाते हैं, कैसे होता है। यह है पीसीटी, यह है लूप ऑफ हेनले, थिन असेंडिंग पार्ट हो गया है, थिक असेंडिंग पार्ट, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग पार्ट। यह कलेक्टिंग डक्ट। अब अपन बात करते हैं यह है पीसीटी। सबसे पहले अपन बात करते हैं नेफ्रॉन की जीएफआर की। जीएफआर होती है 125 ml पर डे पर मिनट के हिसाब से, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं 180 लीटर पर डे। ये है जी एफ आर ऑफ नेफ्रॉन। अब पी सी टी से क्या होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है, ये हो जाता है 100% एब्जॉर्बेशन हो जाता है। फिर एस सी ओ थ्री देखते हैं, ये भी पी सी टी से एब्जॉर्ब होता है, वो भी 80% से ज़्यादा हो जाता है ये भी एब्जॉर्ब। यूरिया सॉरी यूरिया यूरिया है वो भी, यहाँ पर 50% एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो हो जाता है 60% एब्जॉर्ब। और वाटर यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है 67% ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर आइसोटोनिक होगा सॉल्यूशन, और इसके एंड पे भी आइसोटोनिक होगा सॉल्यूशन, क्योंकि जितना वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है उतनी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि टोटल कंसनट्रेशन सेम रहेगी। फिर ये बोलते हैं डिसेंटिंग थिन सेगमेंट, यहाँ पर भी वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, एस टू एब्जॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन रह जाएगा वो हो जाएगा हाइपर सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ हाइपरटोनिक हो जाएगा। और ये असेंडिंग थिन सेगमेंट है ATS, और ये हो गया टॉल थिक असेंडिंग लिंब हो गया। ये यहाँ से सोडियम का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ से पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन, ये तीनों एब्जॉर्प्शन होंगे यहाँ पर। और इस चीज़ को अपन बोलते हैं, ये होता है मेडुलरी डाइल्यूटिंग सेगमेंट, जिसे अपन बोलते हैं मेडुलरी डाइल्यूटिंग सेगमेंट। फिर अपन बात करते हैं डीसीटी की, तो यहाँ पर अपन ने देखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, और ये एंड ऑफ द थिक असेंडिंग लिंब के पास में यहाँ पर आते आते यहाँ पर हो जाएगा हाइपो हाइपोटोनिक। और फिर डीसीटी से भी सोडियम और क्लोराइड माइनस एब्जॉर्ब होंगे, और इसको अपन बोलते हैं डीसीटी के अंदर जो बोलते हैं कॉर्टिकल, वो मेड्यूला था और ये कॉर्टिकल डायलोटिक सेगमेंट हो गया, कॉर्टिकल डायलोटिक सेगमेंट हो गया। अब अपन बात करते हैं ये है कनेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट हार्मोन रेगुलेटेड होगा, है हार्मोन रेगुलेटेड होता है ये। और यहाँ पर सबसे पहले होता है हार्मोन होता है ADH। ADH क्या करता है, एंटी डायुरेसिस हार्मोन होता है, ये H2O का रीअब्जॉर्प्शन करता है। और दूसरा यहाँ पर होता है एल्डोस्टेरोन,
एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम का और वाटर का रिअब्जॉर्प्शन कराएगा और पोटेशियम का एच प्लस का सीक्रेशन। तो अपन बात करते हैं ये ट्यूबुलर फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन की। तो ये सारे अपने हैं ट्यूबुलर फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। और एक यहाँ पर एक तीसरा हार्मोन और आता है जिसे अपन बोलते हैं एंटी नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, ANP। ये ANP क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम करता है, ठीक है। ये अब अपन बात करते हैं, ये चीज़ हो गई, अपन बात करते हैं किडनी की। अब किडनी अपन देखते हैं कि कौन सा मेडुलरी पार्ट है, कौन सा कॉर्टिकल पार्ट है, कहाँ पर नेफ्रोन के कौन कौन से पार्ट सिचुएटेड रहते हैं। तो ये है किडनी मानते हैं अपन, ठीक है। ये सारा कॉर्टेक्स है, ये वाला सब कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। अब मैं नेफ्रोन बनाऊँगा इसमें, तो अपन नेफ्रोन देखते हैं। ये तो हो गए कॉर्टिकल नेफ्रोन और ये हो गए जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन। दो तरह के नेफ्रोन हो गए, इसे अपन बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रोन, जो कि 85% कॉर्टिकल नेफ्रोन ही होते बॉडी में। इसमें ना कोई थिक, ना थिक और थिन सेगमेंट, इसमें थिक और थिन सेगमेंट नहीं होता कभी भी। और इसे अपन बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इसमें डिसेंडिंग थिन सेगमेंट होता है, असेंडिंग थिन सेगमेंट होता है, थिक असेंडिंग लिम्ब होता है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये अपने हो गया। ठीक है,